नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम सोनिया रानी है। मैं सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल धूरी में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम लोग हमारी आठवीं कक्षा का पाठ मेरा दम घुटता है पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह पाठ पंकज चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। यह पाठ बहुत ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा 17वां पाठ मेरा दम घुटता है। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य आप लोगों को यह जानकारी देना है कि प्रदूषण की समस्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या के प्रमुख कारण क्या हैं? यह पाठ एक नाटक के रूप में है, जिसके विभिन्न पात्र हवा की सभी घटक गैसें हैं। नेपथ्य, चारों ओर हरे भरे पेड़, दूर दूर तक कहीं बस्तियां जहां इंसान नहीं दिख रहे हैं। यहाँ हवा की घटक गैसों की सभा चल रही है। सभा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन भी है। यह कोई फलों का बगीचा है, शहर से दूर। बच्चों, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। जो स्टेज का दृश्य है वो कैसा है? चारों ओर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य एक फलों के बगीचे का है। यह स्थान शहर से दूर है। इस बगीचे में हवा की सभी घटक गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन आपस में किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुई है। यह विषय है प्रदूषण। नाइट्रोजन, हमारी इस महीने की बैठक में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारे कुछ सदस्य दुबले और कमजोर दिख रहे हैं। ऐसे में सभा की अध्यक्षता के लिए मैं ऑक्सीजन को आमंत्रित करती हूँ। यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। तालियों की आवाज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन सभी का स्वागत करती है और ऑक्सीजन को सभा की अध्यक्षता करने के लिए बुलाती है। साथ ही वह हमें इस बात की जानकारी भी देती है कि ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। ऑक्सीजन, हांफते हुए, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी झूठी तारीफ तो मत करो। कहने को तो मैं जीवनदायी हूँ, लेकिन आज मेरे जीवन को ही खतरा लग रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने पर बढ़ रहे खतरे का संकेत करती है और कहती है कि बेशक मैं जीवन का मूल आधार हूँ, जीवन देने वाली हूँ, लेकिन मेरा खुद का जीवन ही खतरे में है। हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन, नहीं, ऐसा मत कहो। आपके बगैर मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। आज हमारे और आपके साथ रहने से ही तो पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है। दुनिया में आधे से अधिक भाग में पानी है। आपके बगैर पानी नहीं बन सकता। पानी नहीं तो जीवन कैसे संभव होगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें एक और बात बताती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से पृथ्वी पर पानी बनता है। बच्चों, आपने
अपनी साइंस की क्लास में अवश्य पढ़ा होगा कि पानी का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है। यहाँ पर H2 का मतलब हाइड्रोजन तथा O का मतलब ऑक्सीजन है। कहने का भाव, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से ही पानी बनता है। अगर ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं होगी तो वह हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी कैसे बनाएगी, और अगर धरती पर पानी खत्म हो जाएगा तो जीवन भी संभव नहीं होगा। ऑक्सीजन धत पगली अरी हाइड्रो, मैं तो वायु में अपने अस्तित्व की बात कर रही थी। उस पर इन दिनों इतने काले पीले दैत्यों ने हमला कर रखा है कि यहां पर ऑक्सीजन सफाई देते हुए कहती है कि उसे हवा में अपने घटने की चिंता है, कि हवा में उसका अस्तित्व, वायु में उसका जो उसकी जो मात्रा है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। नाइट्रोजन, अरे क्या बताऊं, अपनी सभा के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। जहां जाती वहीं वो काली पीली जहरीली गैसें हमला कर देती थी। लगने लगा है कि कहीं हमारा बहुमत ही खत्म ना हो जाए। ये बाहरी गैसें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि उन्होंने तो हमारी सेहत ही बिगाड़ डाली है। ऑक्सीजन के बाद अब नाइट्रोजन भी अपनी हालत पर चिंता जताते हुए कहती है कि आजकल हवा में जहरीली गैसें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ज्यादा मात्रा है वो कहीं कम ना हो जाए। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है जो 78% है। ऑक्सीजन गैस लगभग 21% है, बाकी का 1% और गैसें हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भाग है वो कम होने की आशंका है। आगे हाइड्रोजन, देखो ना, हमारी ऑक्सीजन दीदी दिनों दिन सूखती जा रही है। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन की पतली हालत पर चिंता जताती है। ऑक्सीजन, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, अभी बैठक में आते आते भी मैं बाल बाल बची, वो पास का कस्बा है ना, उसके ऊपर से निकल रही थी कि कई काले क्लूटे राक्षस मेरी ओर आ लपके। कोई स्कूटर बस से निकल रहा था, कोई ट्रैक्टर से, उनमें उनसे जैसे तैसे बची तो मिल गई। खूब ऊंची सी चिमनी किसी कारखाने की थी, उसके धुएं में तो ऐसी तीखी गंध सी थी कि बस उफ, दम ही घुट गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन इस बात की ओर इशारा करती है कि उसे सभा में आते आते कुछ काले क्लूटे राक्षस मिले। ये काले क्लूटे राक्षस कौन है बेटे? ये है विभिन्न प्रकार का धुआं, कोई स्कूटर से निकलने वाला, बस से निकलने वाला, जा ट्रैक्टर से निकलने वाला। इसके अलावा कारखानों की ऊंची चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी ऑक्सीजन को प्रदूषित कम करता जा रहा है। नाइट्रोजन, मैं ही जानती हूं कि इस बार सभा की जगह तलाशने में मुझे कितना सिर मारना पड़ा। कहीं ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहां हमारा शुद्ध साम्राज्य हो। जिधर देखो उधर धुआं, बदबू, घोटन। इसके बाद नाइट्रोजन बता रही है कि धरती पर हर जगह प्रदूषण ने अपना कब्जा कर लिया है। कोई ऐसी सुरक्षित जगह दिखाई नहीं देती जहां पर प्रदूषण, धुआं, बदबू ना हो। ऑक्सीजन, नाइट्रो
वो पिछली सभा की जगह का क्या हुआ? वह तो बड़ी अच्छी थी, कोई गांव था ना? यहाँ पर ऑक्सीजन इस बात की ओर इशारा करती है कि जो पिछली सभा हुई थी वो किसी गांव में हुई थी। नाइट्रोजन, क्या बताऊं दीदी, उस गांव में सड़क बन रही है, ढेर सारा तारकोल गर्म कर रहे थे, खूब काला धुआं था, और तो और वहां खाना बनाने के लिए ना जाने कैसी लकड़ी जला रहे हैं, चारों ओर धुएं के कारण अंधेरा हो जाता है, वहां की तो रंगत ही बदल गई है, वहां हमारा कैसे गुजारा हो पाता। तो नाइट्रोजन बताती है कि जिस गांव में पिछली बार उनकी सभा थी वो भी पूरी तरह प्रदूषण से ग्रस्त हो चुका है, वहां पर खाना बनाने के लिए ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा धुआं उठता है। हाइड्रोजन, अरे बहन, वह सिगरेट बीड़ियों का धुआं, हाय हाय, हमारा तो नुकसान करता ही है, धरती पर रहने वाले लोगों को भी बीमार कर रहा है। पर आदमी है कि खुद का नुकसान खुद कर रहा है। मनुष्य को दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग, त्वचा संबंधी बीमारियां सभी तो इसी वायु प्रदूषण से ही हो रही हैं। वो क्या कहते हैं कि अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, आगे की आवाज हंसी में दब जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ यह भी बताना चाहती है कि यह प्रदूषण हवा के साथ साथ मनुष्यों पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रदूषण के कारण लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन इस बात की ओर भी इशारा करती है कि इस प्रदूषण को पैदा करने वाला भी मनुष्य ही है। इस प्रकार प्रदूषण को बढ़ाते बढ़ाते मनुष्य अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बच्चों, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं करना। इस प्रकार प्रदूषण को दिन ब दिन बढ़ाते हुए हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। आगे नेपथ्य ध्वनि, यानी कि परदेश के पीछे से आवाज, और तभी वहां आ जाती है मिस कार्बन डाइऑक्साइड, मोटी काली हड़बड़ी में भागती हुई, पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड के आने की आवाज। ऑक्सीजन, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, लगता है कि दौड़ती हुई आ रही हो, फिर भी देर कर दी, घड़ी देखो, पूरा आधा घंटा लेट हो, और ये क्या रूप बना रखा है। तो ऑक्सीजन इस बात की ओर इशारा करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड सभा में आधा घंटा लेट है और साथ ही साथ उसका रूप पूरी तरह से बदला हुआ है, वो काफी काली और मोटी दिखाई दे रही है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन, अध्यक्ष महोदय, इनकी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही देह को नहीं देख रही हैं? इसको काला बनाने के स्टॉल गली गली में लग गए हैं, तभी तो देखो माशाल्लाह क्या स्वास्थ्य बना है। अब ऐसे में कितना ही दौड़े, लेट तो आना ही था। बेचारी कारखाने और गाड़ियों के धुएं के कारण इसका रंग रूप ही बदल रहा है, हाय। फिर ठाकों की आवाज। इसके साथ नाइट्रोजन इस बात पर प्रकाश डालती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेट होने का कारण है उसका मोटापा। कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने के स्टॉल जगह जगह पर लग गए हैं, इसी कारण उसकी मात्रा हवा में बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही बढ़ते हुए धुएं के कारण इसका रूप भी काला हो गया है।
कार्बन डाइऑक्साइड रुआंसी आवाज में, रुआंसी होता है रोने जैसी आवाज। उड़ालो, उड़ालो मजाक, वायुमंडल में मेरी भागीदारी 0.5% से भी कम थी। और ये मानव जाति है कि मेरा मोटापा बढ़ाने पर तुली है। मेरे साथ साथ मेरी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ रही है। मुझसे ज्यादा तो वह मानव जाति को नुकसान कर रही है। और तुम तो अपने हो, तुम क्यों मुझे खलनायिका बना रहे हो? मैं तो पेड़ पौधों का जीवन हूं। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड खुद अपने बारे में बताती हुई कहती है कि उसकी मात्रा बढ़ाने में भी मानव जाति का ही हाथ है। मानव जाति दिन ब दिन उसका मोटापा बढ़ा रही है, जिससे हवा में उसकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ वो इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि उसकी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बहुत बढ़ने लगी है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मनुष्य जाति के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यह भी बताती है कि वह पेड़ पौधों का जीवन है। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों की जीवनदायिनी क्यों कहा गया है? आप लोगों ने साइंस की कक्षा में पढ़ा होगा कि हरे पौधे सूर्य की रोशनी में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों की जीवनदायिनी कहा गया है। ओजोन बिल्कुल बारीक धीमी आवाज। और मुझ ओजोन के बारे में कभी सोचा? मेरी तो इतनी कम मात्रा थी कि लोग मुझे जानते तक नहीं थे, लेकिन ये धरती वाले मेरे विनाश पर तुले हैं। वे नहीं जान रहे कि मेरे विनाश के साथ ही धरती भी नहीं बचेगी। ओजोन बिल्कुल धीमी आवाज में कहती है कि आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं तो बहुत ही कम मात्रा में हवा में मौजूद थी, इतनी कम के लोगों को मेरे बारे में जानकारी भी तक नहीं थी, लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण के कारण ये मेरा विनाश हो रहा है। मेरी मात्रा और कम होती जा रही है, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर मेरा विनाश होगा तो मेरे साथ साथ धरती का भी विनाश हो जाएगा और धरती पर मानव जीवन का रहना असंभव हो जाएगा। नाइट्रोजन, अरे इतनी सी तो तू है, तू क्या कर लेगी? मानव मुझे छेड़ने में संकोच नहीं कर रहा है, जबकि वायुमंडल में मेरी भागीदारी 3/4 से अधिक है। तुम तो इतनी सी हो, चींटी के बराबर। इसमें नाइट्रोजन ओजोन की बहुत कम मात्रा पर कटाक्ष करती हुई कहती है कि तुम्हारी इतनी कम मात्रा है, तुम कर ही क्या सकती हो? मानव तो मेरी इतनी मात्रा होने के बावजूद भी मुझसे छेड़छाड़ कर रहा है। ओजोन, हाँ हाँ, तुम लोग तो हर छोटे को कमजोर समझते हो, लेकिन मैं बता दूं, यदि मैं खत्म हो गई तो धरती तो क्या तुम सब भी नहीं बचोगी? तो बच्चों, यहाँ पर ओजोन इस बात का खुलासा करती है कि बेशक हवा में उसकी मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन अगर वह खत्म हो जाती है तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आगे की पंक्तियों में जानकारी दी गई है। हाइड्रोजन, माना के तुम
ऑक्सीजन दे दीदी की सबसे छोटी बेटी हो, लेकिन इसका क्या मतलब? कुछ भी बोलती रहोगी, अब चुप हो जाओ वरना। तो बच्चों, ओजोन की इस बात पर हाइड्रोजन को गुस्सा आ जाता है कि इसके खत्म होने से धरती कैसे खत्म हो जाएगी, इसलिए वह उसे चुप कराना चाहती है। ओजोन, वरना क्या मुझसे लड़ोगे? विश्वास नहीं तो कभी सूरज से पूछ लेना। सूरज के प्रकाश में खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक मुझ में ही है, वरना ये किरणें धरती के लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना देंगी। यहाँ पर ऑक्सीजन ओजोन गैस अपनी भूमिका पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि बेशक वह बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। वह सूर्य के प्रकाश में मिलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर धरती पर पहुंचने से रोकती है। अगर यह किरणें धरती पर पहुंच जाएं, तो लोगों को बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। ऑक्सीजन, हाँ ओजोन सही कह रही है। धरती से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन की पतली परत है। इन दिनों मानव जाति रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों का अंधाधुंध प्रयोग कर रही है। इसमें प्रशीतक के रूप में काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा पर टूटी फूटती जा रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन ओजोन की भूमिका को सही बताते हुए कहती है कि धरती से कुछ ऊंचाई पर 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की परत मिलती है, लेकिन दिन ब दिन रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इन उपकरणों में जो ठंडा करने वाली प्रशीतक के रूप में गैस प्रयोग होती है, वो इस ओजोन को नष्ट करती है, जिसके कारण धरती की सुरक्षा परत टूटती जा रही है। कहने का भाव, अगर ओजोन की सुरक्षा परत टूट जाएगी तो सूर्य के प्रकाश में मिलने वाली वाली अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर पहुंच सकती हैं और मानव जीवन का विनाश कर सकती हैं। हाइड्रोजन, अभी मेरी सहेली का एक पत्र स्वीडन से आया है। ऑक्सीजन, क्या लिखा है बहन चिट्ठी में? हाइड्रोजन, वह तो बड़ी दुखी है। उनके यहाँ पानी बरसने पर तेजाब बरस रहा है। उनके इलाके की हवा तो शुद्ध है, लेकिन इंग्लैंड के कारखानों ने खूब ऊंची ऊंची चिमनियां लगा ली हैं, जिससे निकला हुआ धुआं तैरता हुआ स्वीडन पहुंच जाता है। कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। अम्ल का अर्थ होता है बेटे तेजाब। आप लोगों ने साइंस की क्लास में तेजाबी वर्षा के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उसके बारे में बताते हुए हाइड्रोजन एक पत्र का हवाला देती है कि स्वीडन में हवा तो साफ है, लेकिन इंग्लैंड के कारखानों का धुआं उड़कर स्वीडन में पहुंचता है और वो वर्षा के पानी के साथ मिलकर तेजाब का निर्माण करता है, जिससे स्वीडन में अम्लीय वर्षा हो रही है। नाइट्रोजन, ऐसी बारिश तो हमारे यहां भी होने की संभावना है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कहां देश विदेश की बात कर रहे हो, मुझ पर विचार करो, वरना मेरी मात्रा सीमा पार कर जाएगी। इसी कारण तो धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। यहां पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बढ़ रही मात्रा पर चिंता व्यक्त कर रही है और साथ ही साथ इस बात की ओर इशारा करती है
कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से धरती का तापमान भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन दहन कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा मोटापा घटाने और मेरी सेहत सुधारने का केवल एक ही उपाय है, लोग अधिक पेड़ लगाएं। तो बच्चों, ऑक्सीजन एक ही बात में सारी समस्या का हल बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को कम करने का और ऑक्सीजन की मात्रा को सुधारने का केवल एक ही उपाय है, पेड़ लगाना। नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल सही बात कही बहन, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की प्रक्रिया में सोख लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसीलिए तो नाइट्रोजन इस बात को और पुख्ता करते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताती है कि पेड़ लगाने से क्या फायदा होगा। पेड़ लगेंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे और ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी और वातावरण में दोनों गैसों का संतुलन बन पाएगा। इसीलिए सूत्रधार तभी एक किसान बगीचे के पेड़ों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने लगता है। दवा छिड़कने के पंप की आवाज, कुछ चिड़ियों के उड़ने की ध्वनि। तभी हम इसी बीच में क्या देखते हैं कि एक किसान उसी बगीचे में आकर पेड़ों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने लगता है। पक्षी वहां से भागने लगते हैं। ऑक्सीजन, अरे अरे भागो भागो, लगता है कि आदमी पेड़ों पर दवाई छिड़क रहा है। हाय हाय, मेरा तो दम घुट रहा है। तो बच्चों, हमारे जो पाठ का शीर्षक है मेरा दम घुटता है, वो यहाँ पर सार्थक हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होने लगा है, ऑक्सीजन फिर भाग रही है क्योंकि ऑक्सीजन का दम घुटने लगा है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक तो बढ़ता हुआ धुआं, दूसरा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, यह सब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रहे हैं। हाइड्रोजन दवाई के रसायन भी हमारे वायुमंडल में घुलते आ रहे हैं। भागो भागो, पता नहीं हमारे वायुमंडल की अगली बैठक के लिए कहीं शुद्ध स्थान मिलेगा भी के नहीं, भागो। इसके साथ ही हाइड्रोजन इस बात की ओर इशारा करती है कि जे दवाइयों के रसायन वायुमंडल में दिन ब दिन घुलते जा रहे हैं और इसी बात पर चिंता जताती है कि शायद उन्हें सभा के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह प्रदूषण अपने पैर पसार रहा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस पाठ को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा होगा। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ने के क्या क्या कारण हैं और क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हैं। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि आप वातावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए अपना योगदान अवश्य दोगे। तो बच्चों, आज के इस पाठ को पढ़ने के लिए तथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।